बौद्ध भिक्खु होते हैं या भिक्खुनी होती हैं, उसमें ये विवाद रहता है कि उनके चरण स्पर्श किए जाएं या नहीं किए जाएं। अच्छा। मैंने भी एक सभा में देखा था कि कुछ उपासक और कुछ उपासिका वहां जो भिक्खु आए थे उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुके, तो भिक्खु जानकार थे, भिक्खु ने उनको मना कर दिया। जो लोग जानते हैं और जिन्हें पता है कि भिक्खु क्यों अपने को छूने के लिए मना करते हैं, ये बहुत स्पष्ट बात है कि जो भिक्खु या भिक्खुनी होते हैं या जो संत हो जाते हैं, संत का मतलब है जो जिनकी गति सदगति हो जाती है और जो सत्यता में अपने आप को अंत कर लेते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, वो अपनी पांच चीजें छोड़ देते हैं। ये चाहे बौद्ध भिक्खु हैं, भिक्खुनी हैं, या दुनिया की किसी परंपरा में या बिना परंपरा के भी अगर कोई संत है, तो वो संत तभी बनेगा जब वो पांच रस अपने छोड़ देगा। ये पांच बातें, पांच रस या पांच जो क्रियाएं हैं वो कौन से हैं, इसको समझ लेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि किसी संत को छूना चाहिए या नहीं, और छूने से क्या फर्क पड़ता है, ये चरण स्पर्श से क्या फर्क पड़ता है। भिक्खु जो अपने या भिक्खुनी या कोई संत अपने पांच रस छोड़ता है, उसमें पहला रस है जीवा का, यानी कि टंग का, जीव का। तो जीभ होती है, टंग होती है, उसमें सेंसर्स होते हैं, उसमें छोटे 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 इंद्रियां बोल सकते हैं उनको, या ऐसी चीजें होती हैं जिनसे स्वाद का पता चलता है। जैसे मैं आम खा रहा हूं और आम को अगर मैं शरीर के किसी भी हिस्से पे टच करूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, सर पे लगाऊं, तो उसका स्वाद जो जीभ पे आता है वो नहीं आएगा, और जैसे ही मैं उसको जीभ से जरा सा टच करूंगा, छूंगा जरा सा, वैसा ही मेरी संज्ञा यानी मेरी स्मृति में ये पता चल जाएगा कि ये आम है और ये आम का स्वाद है। तो जो संत या भिक्खु आम खाते हैं या कोई भोजन खाते हैं, वो ये तो उन्हें पता चलता है कि इसका स्वाद कैसा है और इसका टेस्ट कैसा है, मगर इस टेस्ट से वो ना तो प्रसन्न होते हैं ना ही अप्रसन्न होते हैं, ना ही तो खुश होते हैं ना ही वो रोते हैं उसके लिए, ना ही उन्हें कोई हर्ष महसूस होता है ना ही उसके लिए कोई विहर्ष होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन रहते हैं। वो खाते रहेंगे, उनके चेहरे से आपको नहीं पता चलेगा कि खाना स्वादिष्ट है या बेस्वादिष्ट है या दुस्वादिष्ट है, उससे कोई लेन देन उनको नहीं है, वो सिर्फ भोजनहारी होते हैं, भोजन खाते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है कान, यानी कि वो कोई भी आवाज अगर सुनते हैं तो वो उनके लिए सिर्फ एक आवाज होती है, वो चाहे म्यूजिक बहुत अच्छा हो, गाना बहुत अच्छा हो, या कोई रोदन हो, या कोई रो रहा हो, या कोई करुणा हो, या कोई चिल्ला रहा हो, या घबरा रहा हो, वो उसको देखते हैं, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, समझते हैं काम उसके हिसाब से करेंगे, मगर वो उसको आत्मसात यानी कि अतसात यानी कि जो अंदर लेके प्रक्रिया करने वाली बात है वो नहीं करते। तीसरे नंबर पे आता है नाक। नाक से जो स्मेल आती है, चाहे वो खुशबू है, चाहे वो बदबू है, चाहे वो किसी भी तरह की स्मेल है, तेज है या हल्की है, उन्हें कभी भी आप उनके चेहरे पे या शरीर पे उसका भाव नहीं देखेंगे कि अरे ये तो टट्टी की बदबू आ रही है, ये तो गुलाब की बदबू खुशबू आ रही है, ये तो चंदन की खुशबू है, ये तो शराब की बदबू आ रही है, या ये खाना सड़ गया, या ये व्यक्ति सड़ांध आ रही है इसमें से, या जानवर सड़ गया, या बाथरूम में से ऐसी बदबू आ रही है, उन्हें उनके लिए स्मेल होती है, उसके लिए वो परेशान भी नहीं होते और खुश भी नहीं होते। चौथी चीज जो आती है वो आती है उनकी आंखें। आंखों में जो दृश्य वो देखते हैं ऑडियो में या वीडियो में, यानी स्टिल फोटो देखें, वो स्टिल फोटो का मतलब है कि रुक के अगर किसी पिक्चर को देखते हैं, या वो चलते हुए देखें, वीडियो टाइप में देखें, दो तरह के विजुअल्स होते हैं, एक गति वाले और एक स्थिर। तो दोनों ही जो स्थिर या गति वाले चित्र आते हैं, चित्र वो देखते रहते हैं पूरी जिंदगी, देखते जब तक आंखें काम करती हैं, मगर चित्रों के फर्क उनके ऊपर या चित्रों का प्रभाव उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर नहीं पड़ता। कोई उनके सामने से छोटा बच्चा निकल जाए बिना कपड़े पहने तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा बच्चा निकल जाए बिना कपड़े पहने तो फर्क नहीं पड़ता, किसी ने बहुत कपड़े पहन रखे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत गहरा घाव है किसी को तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत सुंदर है चिकना है तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बूढ़ा हो गया है तो फर्क नहीं पड़ता, कोई मकान टूटा है या कोई बिल्डिंग बहुत अच्छी है, या कोई लाइट वाला है या कोई अंधेरा है। तो जितने भी दृश्य उनके शरीर में आते हैं उससे उनके मन पे, उनके शरीर पे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, उनके लिए दृश्य सब समान होते हैं। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रश्न का मुख्य आंसर है, वो ये है कि उनके पूरे शरीर पे हवा का स्पर्श कैसा है, सूर्य का स्पर्श कैसा है, आपने कोई टच दिया उनको, किसी भी अंगों को उनको छुआ,
या कोई चीज उनसे रगड़ी या किसी कोई कपड़ा उन्होंने पहना या कोई गर्म ठंडा उन्हें लगा, वो सिर्फ उनके लिए आभास होता है, उसको वो अंदर तक नहीं जाने देते। और अगर आप उनके शरीर को छूते हैं तो होगा क्या कि स्पर्श का जो भाव है, स्पर्श की जो फीलिंग है, वो उनके पास जाएगी। अगर वो थोड़े कच्चे हुए, समझदार नहीं हुए, तो वो उनको विचलित कर सकती है, उनकी साधना को विचलित कर सकती है, और वो आपको भी प्रसन्न कर सकती है अगर आपने स्पर्श लिया। क्योंकि स्पर्श अगर आप किसी को देते हैं तो आप स्पर्श करते हैं तो आपको भी स्पर्श मिलता है। जब दोनों को स्पर्श मिलता है तो दोनों के भाव बदलते हैं। स्पर्श पूरे शरीर में होता है और स्पर्श के बहुत सारे भाव होते हैं, इसलिए उनकी साधना में विघ्न ना पड़े, उनकी मेडिटेशन में, उनकी विपसना में विघ्न ना पड़े, क्योंकि वो 24 घंटे विपसना में रहते हैं, साधना में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, और वो अपने मन को शुद्ध करते रहते हैं लगातार, तो उनका मन अशुद्ध करने में हम भागीदार ना बने। या वो हमारी किसी सब हो सकता है कि वो कुछ कच्चे हों और उनकी फीलिंग कुछ हमें हट कर जाए या प्रसन्न कर जाए, इसलिए उनको दूर से वंदना की जाती है, दूर से ही उनको नमन किया जाता है, दूर से उनका अभिवादन किया जाता है और वो दूर से ही ग्रहण करते हैं। किसी भी जो तप करने वाला है, साधना करने वाला है, मेडिटेशन करने वाला है, विपसना करने वाला है, संत है, साधक है, उनको कभी भी नहीं छूना चाहिए जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। जैसे शरीर में घाव हो गया तो डॉक्टर को छुएगा ही, उसका काम है, या कहीं बीमारी होगी उसको छूना ही है, या कहीं कोई अगर इमरजेंसी आ गई और कहीं किसी की मदद करनी है तो छूना ही है। एक कथा इसमें बहुत चलती है कि भिक्कू जा रहे थे और नदी पार करने वाली थी उनको, तो भिक्कू लाइन बना के जा रहे थे तो वहां एक औरत थी जो बूढ़ी, वो पार नहीं कर पा रही थी, तो जो आगे वाले भिक्कू थे, जो उनके हेड थे, इंचार्ज थे, बड़े भिक्कू थे, बड़े ज्ञा थे, उन्होंने उस बूढ़ी माता को कंधे पे बैठाया और नदी के बैठा के नदी पार करा दी। आगे चलने लगे तो जो पीछे वाले जो सामने थे, जो सीखने वाले थे, वो थोड़े से असमंजस में आ गए, उनको लगा कि भाई ये तो नियम के विरुद्ध हो गया, तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा भिक्कू आपने तो महिला को, आपने तो औरत को, आपने तो महिला को, वुमन को छुआ, और ना केवल छुआ, आपने तो उसको ऊपर बैठाया और आपने रिवर को पार कराया, नदी को पार कराया। तो भिक्कू ने कहा कि अरे मैं तो उसको वहीं छोड़ाया, तो उसको अभी तक साथ लेके घूम रहा है, वो तो मैं वहीं छोड़ाया, तो इसको अभी तक साथ ले लेके घूम रहा है। तो इसका मतलब ये था कि वो जो भिक्कू थे उनके मन में कोई बात नहीं थी, उन्होंने तो एक मदद की और वहीं छोड़ा और चले आए, बात खत्म हो गई। मगर जो छोटे भिक्कू थे, सामने थे, जो सीख रहे थे, उनके मन में बात रही, वो अभी तक उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो ये बातें चलती रहती हैं, इसके लिए सारे नियम हैं, मगर छूना नहीं चाहिए, ना ही उनको स्पर्श करना चाहिए, उनकी दूरी भी थोड़ी रखनी चाहिए, उनके पास भी नहीं खड़ा होना चाहिए, उनको ये एहसास भी नहीं होना चाहिए, हमें उनके तप को तोड़ के कोई भी ऐसे दुख में भागीदार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।